तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर 300। एंड आज है मेरे पास बहुत ही स्पेशल स्कूटर एप्रिलिया स्टॉर्म, जो कि है एप्रिलिया SR150 का छोटा भाई। एंड इसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस की गई है। सबसे पहले तो पावर में किया हुआ है। SR150 आपको मिलेगा 150cc में, एंड ये वाला है 125 वर्जन वाला। वैसे हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग इसका काफ़ी ईजी है। हाँ, मतलब पॉट होल्स अच्छे से मैन्युअल कर सकते हो इन ट्रैफिक में। आप अगर टाइट कंजेशन ट्रैफिक में अगर इसे आप लेके चलाते हो, क्वाइट अच्छा चलेगा। अच्छा, आई मीन निम्बल है। एंड इसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर 125cc स्कूटर्स। एंड सस्पेंशन की बात करें तो आगे से मुझे हल्का सा स्टिफ लग रहा है। एंड लेट्स कम टू द मिरर्स। मिरर्स में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। ए भाई, पीछे देखो यार, मिरर्स में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। आई कैन लिटरली सी अ गुड व्यू फ्रॉम दिस मिरर। एंड इसका जो राइडिंग स्टैंड है काफ़ी कंफर्टेबल है। एवरीथिंग इज ग्रेट। एक काम करते हैं, ऑफ रोड वाले पैच पे लेते हैं। ओके, सो ये है एप्रिलिया स्टॉर्म, अ ग्रेट मैट फिनिश पेंट, जो कि मेरे ग्लव्स और जैकेट से मैच कर रहा है। चौक सपाट। बात करते हैं इसके इंजन की। इट्स सो इट हैज़ अ हार्ट ऑफ 124cc इंजन, 9.96 bhp एंड टॉर्क ऑफ 9.9 Nm ऑफ टॉर्क। अगर क्लस्टर की बात करें तो एक ड्यूअल पॉड यहाँ पे आता है। दिस वन इज़ फॉर द फ्यूल मीटर, दिस इज़ द टैको एंड डायरेक्शंस, हाई बीम एंड दिस इज़ द हेडलाइट। इसलिए हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, इंडिकेटर्स एंड ये इसका हॉर्न। ओके, सो द नेम ऑफ द स्कूटर इज स्टॉर्म। एंड इसके टायर्स, जो खास बात मुझे इसके अपीलिंग लगे वो है ये इसके ब्लॉक टायर्स, देखने में काफ़ी मैसिव लग रहे हैं। इसका साइज है 120x80x12 inches। ओके, क्वाइट गुड। एंड टूवर्ड्स द बैक इट हैज 130x80x12 inches। तो अभी इसका इंजन का साउंड सुनते हैं। आदि वेल, यस, साउंड में बेस है। एंड इसका जो ग्रैब रेल है काफ़ी स्टडी है इफ़ आई कंपेयर इट विद एप्रिलिया SR150। उसमें स्प्लिट ग्रैब रेल से जो कि मिसिंग है, पर मुझे तो बेटर यही लगता है, वन पीस ग्रैब रेल। इंडिकेटर्स हैलोजन है, इसका जो पीछे का टेल लैंप है वो भी हैलोजन वाले है। मोनोशॉक सस्पेंशन एट द बैक एंड हाइड्रोलिक सस्पेंशन टूवर्ड्स द फ्रंट साइड। ओके, इसमें सादी गार्ड भी दिया हुआ है फॉर सेफ्टी। इसका मड फ्लैप भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स में मड फ्लैप ऐसा होता है नहीं, इसलिए। एंड लुक एट दिस गाय डिस्टर्बिंग वाइल मेकिंग रिव्यूज। टूवर्ड्स द फ्रंट यू गेट टू पायलट हेडलैम्प्स एंड द मेन हेडलैम्प ओवर हियर, जो कि हैलोजन है। एंड SR150 अगर आप देखते हो, SR150 में उसमें ड्यूअल हैलोजन लैम्प्स आते हैं विद ड्यूअल पायलट लैम्प्स। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। एंड इट हैज़ कॉम्बी ब्रेक ऑन बोथ द व्हील्स। कौन सा भी ये ब्रेक दबाओ, आगे का या पीछे का, दोनों व्हील में सेम रेशियो में ब्रेक लगेगा। ओके, तो अब इस पे सैडलिंग करके देखते हैं सैडलिंग में कैसा लगता है। तो आप सैडलिंग कर सकते हो इस पे, यार काफ़ी अच्छा सैडल करता है ये। इसके जो ब्लॉक टायर्स है काफ़ी अच्छे से ग्रिप प्रोवाइड कर रहे। ओके, आई थिंक आई एम इन लव विद द स्कूटर। या वापस सैडल करते हैं। अगर एप्रिलिया मुझे स्पॉन्सर करे ना, कैन यू डू
ऑफ रोड ऑन द स्कूटर आई वुड लव टू। या काफ़ी अच्छा हैंडल कर रही है। सो एक बात तो क्लियर हो गई, बनी तो ये ऑफ रोड के लिए ही है, नो डाउट। आई होप गाइस कि आप लोग ने मेरा तिखर वाला ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। उसका जो ब्लॉग वन, उसमें मैंने टोटल 4 पार्ट बनाए हैं एंड मैंने उसमें से सिर्फ 3 ही ब्लॉग अपलोड किए हैं, जो कि है ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3 एंड ब्लॉग 4, जो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। बट उसके पहले मैं इस एप्रिला स्टॉर्म का रिव्यू डालने वाला हूँ। सो इफ़ यू गाइस आरंट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी एट rider_300_। अगर मैं इसे रिव्यू पॉइंट्स दूँ तो आई वुड लाइक टू गिव 9/10 फॉर इट्स डिज़ाइन, कलर एंड मैट फिनिश ग्राफिक्स, 8/10 फॉर इट्स टायर्स ग्रिप, ब्रेकिंग के लिए देंगे इसको 8 पॉइंट, ब्रेकिंग के लिए देंगे 8 पॉइंट एंड इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है एंड इसका जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए मैं दूंगा इसे 9/10। वेल अ ग्रेट स्कूटर फॉर द डेली कम्यूट इन केस आप ऑफ रोडिंग के फैन हो। या इट्स अ बेटर ऑप्शन एंड अ बजट ऑफ रोड, या दैट्स कूल, लुक्स अमेजिंग यार। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कम्फर्टेबल फॉर द राइडर एज वेल एज पिलियन एंड पिलियन के लिए ग्रैब भी पीछे दिया हुआ है, क्वाइट गुड। थोड़ा सा ग्रेवल में चला के देखते हैं, ग्रेवल में ग्रिप अच्छा है इसका यार, नो डाउट यार, ग्रेवल में ग्रिप बहुत अच्छा है इसका। सो गाइस मैं इसे रेट करूंगा 9/10 हर एक चीज़ों में, बट ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट तो अभी तक तो मैंने यही देखा स्कूटर सेगमेंट में, क्योंकि बाइक वैसे मार्केट में तो बहुत सारे ऑफ रोडिंग के लिए बाइक्स तो है और स्कूटर सेगमेंट में कोई भी नहीं है, तो ये फर्स्ट होगा ऑफ रोडिंग सेगमेंट का। अगर आप लोगों को ये स्कूटर अच्छी लगी हो, स्कूटर नहीं बोल सकते हैं इसको, इट्स पार्ट बाइक है। सो जैसे आप इसे ओपन करोगे 15 लीटर का आपको इसमें 15 लीटर्स का आपको स्पेस इसमें मिलेगा स्टोरेज कैपेसिटी एंड दिस इज द बैटरी कंपार्टमेंट, फ्यूल कैप जो कि है 6.5 लीटर्स का, नो चार्जिंग पॉइंट एट ऑल, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्यूल, यहाँ पर जरा आएगा आपको फ्यूल, इसमें एक आपको हाफ फेस हेलमेट ही फिट होगा सिर्फ और कुछ नहीं। So if you guys are interested in buying this scooter, then do visit Automax Automotive.